भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। आई थिंक आपने भी एपेक्स गेम या स्टीम से GTA 5 को परचेस किया होगा या आपने फ्री में क्लेम किया होगा, बट आप उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे या रन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो उसका साइज बहुत ज्यादा है, दूसरा आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। कैसे आप अपने GTA 5 को अपने लो एंड PC पे रन कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे FPS पे। पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करूँ कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे ऑनलाइन खेलना चाहते हैं अपने लो एंड PC पे। दोस्तों रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 रीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यार i3 मिनिमम आपकी PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। बट मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डुअल कोर में खेल सकते हो। सो वेल गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और एक बात की, अभी तक आपने हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, एंड जितने भी नेसेसरी फाइल्स के लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे जाके डाउनलोड कर लेना। बट हाँ, पहले वीडियो देख लेना। तो यार फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके वेल गाइस, तो सबसे पहले आपको ये GTA 5 का FPS बूस्टर को डाउनलोड करना है। तो इसका साइज अप्रॉक्स 9 KB के आसपास है। तो वेल गाइस, यही एक फाइल है जो कि आपके GTA 5 को बेहतर FPS में चलाने में मदद करेगा। तो सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसे आप सिंपली मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक विल बी इन माय वेबसाइट। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी। तो सिंपली आपको एक बूस्ट फाइल मिलता है, एक बूस्ट का फोल्डर मिलता है, एक कन्फिग का फोल्डर मिलता है, एंड हमारा एक प्रॉक्सी का फोल्डर मिलता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले सभी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो वेल गाइस, सबसे पहले हम बूस्ट वाले को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कोड वाला फाइल दिख रहा है, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ये जो कोड है आपको सिंपली यहाँ से आपको कॉपी करना है, एंड आपको अब नीचे जाना है सर्च पे, यहाँ आपको टाइप करना है CMD, ठीक है, CMD टाइप करना, एंटर करना, एंड जो आपने कोड कॉपी किया था सिंपली आपको इसे पेस्ट कर देना है एंड एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा अनलिमिटेड परफॉर्मेंस वाला मोड ऑन हो चुका है, सिंपली हम यहाँ से कट करते हैं। अब अपन सर्च पे आते हैं। सर्च पे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पावर प्लान, ठीक है, यहाँ आपको टाइप करना है पावर प्लान। तो जैसे ही आप पावर प्लान टाइप करोगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखेगा अनलिमिटेड परफॉर्मेंस, सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हमारा काम कंप्लीट होता है। सिंपली हम चलते हैं आप सेकंड वाले पे। तो ये वाला जो फोल्डर है रेजोल्यूशन, अभी हमको इसे काम नहीं, सिंपली हम बैक चलते हैं। अब चलते हैं हम कन्फिग वाले फाइल पे, सिंपली हम कन्फिग वाले फाइल पे चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैंने 3 कन्फिग फाइल दिए। तो देखो यार, यहाँ पर ये तीनों कन्फिग फाइल एक दूसरे से अलग है। तो जो लो एंड PC वाला जो कन्फिग फाइल है, अगर आपके पास 4GB रैम है और 512 MB ग्राफिक कार्ड है तब जाके इसे यूज़ करना, ठीक है। दोस्तों आपके पास जो सुपर लो एंड कन्फिग है, तो अगर आप पे 4GB रैम पे GTA 5 लैग करता है जब आप खेलते हो, तो कुछ मतलब बोलते हैं ना, चलते चलते अटक अटक के चलता है, तो आप इसे यूज़ करना। एंड ये वाला जो है सुपर अल्ट्रा लो एंड कन्फिग, अगर आपके पास 4GB रैम है और डुअल कोर का प्रोसेसर है और ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB है, तो आप ये वाला यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ सुपर लो एंड को, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर आपको सिंपली इसे ओपन करना है, तो ओपन विद नोट पैड से करना, ठीक है। एंड ये जो देख रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक आपको सभी को कॉपी करना है, यहाँ से आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक मिनट में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर पहले। ओके, तो यहाँ हमने कॉपी कर लिया। अब हमें चलना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है रॉकस्टार गेम्स में, यहाँ पर आपको GTA 5 मिलेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं xsetting.xml, सिंपली आपको इसे ओपन करना है नोट पैड की मदद से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ से लेके आपके जो ये वीडियो के ऊपर तक आपको सिंपली जो आपने कॉपी किया था उसे आप डिलीट कर दो। अब क्या करना है, सिंपली जो आपने इस वाले जो मेरे वाले कन्फिग से आपने जो कॉपी किया था, अब इसे यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। जो आपने कॉपी किया था सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना। एंड ऊपर XML फाइल है वो सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, प्रॉक्सी फाइल। तो प्रॉक्सी फाइल करना, इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली इसमें आपको डबल टैप करना है, यस करना है, यस करना है, एंड बूम, यहाँ पर जो हमारा हाई प्रॉक्सी फाइल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें और भी कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको सर्च बार में आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों एडवांस व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है। अब देखो यार, यहाँ पर जो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है, एंड सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको सर्च बार पे आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है रन, ठीक है। रन टाइप करने के बाद
परसेंटेज 10% आपको एंटर करना है, एंड जितने भी जंक फाइल है प्लीज उसे आप डिलीट कर दें। इससे आपको क्या होगा कि इसका जो आपका जो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ से स्किप कर लेते हैं, एंड इसे रिसाइकल बिल से भी प्लीज क्लीनिंग कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा एक और स्टेप है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। यहाँ आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। एंड सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको गेम्स में जाना है। मेक श्योर कि यहाँ पर आपका जो गेम मोड है वो यहाँ पर ऑन हो, अगर ऑफ है तो कृपया करके यहाँ से आप ऑन कर लें। यहाँ पर जाने के बाद आपको ग्राफिक सेटिंग्स पे आना है दोस्तों। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। अब आपको सिंपली ब्राउज पे जाना है, एंड बल्कि जहाँ कहीं भी आपने GTA 5 को इंस्टॉल करके रखा है तो उस डायरेक्टरी को आप ओपन कर लेना, मतलब गेम का मेन डायरेक्टरी को। एंड ये जो देख रहे हो प्ले GTA 5 EXE, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पे आना है, कुछ आपको सिंपली आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पे आना है। यहाँ पर आपको इसे हाई परफॉर्मेंस में सेव कर लेना है। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हमें उस फोल्डर पे फिर से चलना है जहाँ हमने FPS बूस्टर को इंस्टॉल करके रखा था, तो सिंपली आपको बूस्ट वाले फोल्डर पे आना है। यहाँ पर रेजोल्यूशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे ओपन करना है, तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस रहेगा। जब भी आप GTA 5 को प्ले करें तो सिंपली आप इसे मैक्सिमम में कर ले, एंड जैसे ही आप गेम प्ले कर लेते हो, गेम को क्लोज कर लेते हो, एज यूजुअल डिफॉल्ट कर ले। तो जब भी आप गेम को प्ले करें तभी इसे आप मैक्सिमम पे करें, देन आप डिफॉल्ट में कर ले। तो अभी इसे मैं मैक्सिमम में कर लेता हूं। सो गाइस, अभी ऑलमोस्ट हमारा सभी काम कंप्लीट होता है। अब चलिए हम गेम को ओपन करते हैं। सकते यहां पर जो है हमारा गेम ओपन हो चुका है। यार यहां पर आपको उतना भी ग्राफिक्स डल नहीं मिलता है, एंड कसम से बताऊं यार यहां पर आपको FPS ऑलमोस्ट 60-70 FPS मिलने वाला है, अगर आपको 20-30 FPS मिलता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो बस इतना था कि कैसे आप अपने GTA 5 ऑनलाइन को आप अपने लो एंड PC पे रन कर सकते हैं, वो भी बेहतर FPS पे। एंड वेल गाइस, जिन लोगों ने एपिक्स गेम वाला GTA 5 को क्लेम कर लिया है और डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज्यादा है, तो आई बटन में एक वीडियो बनाया, उसे प्लीज चेकआउट कर लेना कि कैसे आप पार्ट्स में डाउनलोड कर सकते हैं उसके फाइल्स को, एंड कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से लेना। बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने GTA ऑनलाइन में, या वो खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हमें GTA 5 लैग कर रहा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।